हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं रोटेशनल मोशन का आगे का भाग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रिज्ड बॉडी। रिज्ड बॉडी क्या कहलाती है आपकी? ठीक है, तो रिज्ड बॉडी आपकी वो बॉडीज़ कहलाएंगी जिन पर हम फोर्स अप्लाई करें तो उनका शेप एंड वॉल्यूम दोनों चेंज ना हो। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं आपके, रिज्ड बॉडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है एक्चुअल, रोटेशनल मोशन। कि रोटेशनल मोशन क्या होता है? ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सेस के अबाउट रोटेट हो, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सेस के अबाउट रोटेट हो तो उसका जो मोशन होगा वो मोशन क्या कहलाता है आपका, रोटेशनल मोशन। ठीक है, जैसे हम देखते हैं दरवाजा, जो आपका डोर होता है, जो डोर का जो रोटेशन होगा वो रोटेशन किसके अलॉन्ग होता है, एक चौखट के अलॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसका जो रोटेशन है वो रोटेशन क्या कहलाएगा आपका, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इस जैसे फैन भी किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, उसका मोशन भी रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा, अब रोटेशनल मोशन के बाद बात करते हैं हम क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ टॉर्क। मतलब यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करने लगे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, टॉर्क। ठीक है, और टॉर्क इज इक्वल, टॉर्क को अपन रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब बेटा इसमें हम नेक्स्ट चीज आती है आपकी क्या, मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, अब कपल नाम से क्लियर है, कपल मतलब क्या, आपके दो फोर्स लगना है। ठीक है, तो कपल क्या होगा आपका, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, तो वो दोनों फोर्स क्या कहलाते हैं आपके, कपल। वो किस तरीके से वर्क करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस दिस वन एंड दिस, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ये फोर्स है आपका F1 और ये फोर्स है क्या आपका F2। ठीक है, तो ये फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट बट मैग्नीट्यूड सेम, तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या कहलाएंगे, कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर कपल अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करने लगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका, मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ कपल को भी हम किस तरीके से शो करते हैं, इसको भी हम टॉर्क से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या, इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो दो में से कोई भी एक फोर्स हमको लेना है, और लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस, दैट मींस दिस वन, ये जो डिस्टेंस है, ये इस फोर्स के लिए ये डिस्टेंस होगी और इस फोर्स के लिए क्या हो जाएगी आपकी, दिस वन। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस इज कॉल्ड अ मोमेंट ऑफ कपल। क्लियर, तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ कपल। अब बेटा इसके बाद आता है आपका क्या, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका, एंगुलर मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ठीक है, और ये उसकी रोटेशनल एक्सेस है। अब और ये पार्टिकल्स, ये सिस्टम जो आपका किससे मिलकर बनता है, पार्टिकल्स से। ठीक है, तो अब जब ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ आपके पार्टिकल भी मूव करेंगे, तो जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उनका क्या होगा आपका, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम में मैंने क्या बताया आपको, कि एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट मीन्स पी, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो यदि हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी भी होगी एक्सिस से, सपोज डी है, तब क्या मिल जाएगा, पी इंटू डी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। क्लियर,
अब इसके बाद आ जाएगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आपका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द, जैसे आपके पास एक सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी रोटेशनल एक्सिस, इसके अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये आपका एक सपोज एक पार्टिकल लिया हमने जिसकी डिस्टेंस कितनी है आर, ठीक है, और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर पार्टिकल का मास जो है वो है क्या स्मॉल एम, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको एम आर स्क्वायर, ठीक है, कोई समस्या इतने में। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल, क्लियर। तो ये होता बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अब जैसे यदि हमें पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम का आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑल पार्टिकल्स, ठीक है। यदि सपोज इसमें एन पार्टिकल्स हैं सिस्टम में, तब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर प्लस अप टू एम एन आर एन स्क्वायर, ठीक है, एन पार्टिकल्स है सिस्टम में। तब उस कंडीशन में I इज इक्वल टू, अपन इसको समेशन के फॉर्म में लिख दें, तो I इज इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो जाएगा, पूरे सिस्टम का, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। जायरेशन क्या होता है आपका, वो ऑब्जेक्ट जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, जायरेशन, ठीक है। तो इसकी हमें क्या निकालनी है, रेडियस। तो इसकी रेडियस निकाल के देखते हैं अपन क्या आती है इसकी रेडियस। लास्ट क्लास में बेटा हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता था कि ऑब्जेक्ट में वो पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, तो वो क्या कहलाता था, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगी कि सेंटर ऑफ मास से रोटेशनल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस किससे, रोटेशनल एक्सिस से, क्या कहलाएगी आपकी रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से, ठीक है। तो जब के से रिप्रेजेंट करना है अपन इसको, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, अब सेंटर ऑफ मास पे, ये सेंटर ऑफ मास, इस पे क्या पूरे ऑब्जेक्ट का मास कंसंट्रेटेड है, दैट मींस कैपिटल एम के स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब यदि हम पूरे ऑब्जेक्ट की बात करें, तो पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा हमको, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। एम के स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर प्लस अप टू एम एन आर एन स्क्वायर, यदि एन ऑब्जेक्ट है आपके, ठीक है। इस एम को साइड ट्रांसफर किया तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर प्लस अप टू एम एन आर एन स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। अब यदि मैंने आपसे कहा कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, यदि इन सभी का मास सेम है, तब उस कंडीशन में m1, m2, अप टू mn सभी क्या हो जाएंगे, सेम, दैट मींस m, 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 है ना। तो यहां पे देख लेते हैं, पर इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, तब उस कंडीशन में आपका k स्क्वायर क्या आएगा, mr एम आर वन स्क्वायर एम आर टू स्क्वायर प्लस एम
प्लस अप टू एम आर एन स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, अब कैपिटल एम एक्चुअल में है क्या, सभी पार्टिकल्स का सम। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस एम को टोटल एन पार्टिकल्स हैं और सभी का मास कितना है आपका एम, तब टोटल मास क्या हो जाएगा एम एन। ठीक है, ऊपर से एम कॉमन निकाला हमने, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एम कॉमन अंदर आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर और अपॉन एम एन, एम से एम कैंसिल हो गया, स्क्वायर अलग करेंगे तो यहां क्या लग जाएगा रूट, तो के इज इक्वल टू क्या मिला रूट आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर प्लस अप टू आर एन स्क्वायर अपॉन एन। दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, ये क्या निकल गई आपकी रेडियस ऑफ जायरेशन, के इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर, अब देखिए इस फॉर्मूले से जो रेडियस ऑफ जायरेशन निकली, इसमें एक चीज क्लियर हो रही है कि रेडियस ऑफ जायरेशन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल किसी के भी मास पर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, ये सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है कि आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो सिस्टम में, दूसरी चीज सभी पार्टिकल्स की रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस पर। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर और उन पार्टिकल्स की रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस पर। अब यदि बात करें कि हम ये किस पर डिपेंड नहीं करती, तो किस पर डिपेंड नहीं करती आपकी पार्टिकल्स या पूरे ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है बेटा, तो ये हुआ आपका रेडियस ऑफ जायरेशन। क्लियर, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, थ्योरम्स ऑफ रोटेशनल थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो थ्योरम्स अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।